अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संघ प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर इस कार्यक्रम के पुण्यार्शक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्णव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस्ट वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली कॉलम बॉक्स शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। मन की स्थिरता तो है, साधु की स्थिरता मन की है, लेकिन शारीरिक स्थिरता भी चाहिए, आसन सिद्धि बोलते हैं जिसको। और मैं तो कहूंगा आप सबसे, टिक के बैठने वाले का बुढ़ापा जल्दी आता है, 20 साल उम्र कम कर लेता है वो, कमर में दर्द जल्दी शुरू हो जाता है टिक कर बैठने वाले को। और जो बिना सहारे के बैठता है तो पूरी दुनिया उसे सहारा देने को तैयार हो जाती है, और जो सहारे से ही बैठता रहता है तो फिर उसको तो सहारा ही चाहिए पड़ता है। शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए आत्मिक बल की आवश्यकता है, ना कि तुम्हें कोई टॉनिक की आवश्यकता है, ना कि दवाई खाने की, ना तो तुम्हें काजू बादाम खाने की। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो ना काजू खाते हैं ना बादाम खाते हैं, ड्राई फ्रूट का त्याग है जिनका, दूध नहीं पीते, घी नहीं खाते हैं, पानी भी उनका दूध का काम कर रहा है, घी का काम कर रहा है, और कुछ लोग घी पी जाए तो भी पानी का काम कर जाता है। आप ख्याल करना, आत्मिक बल की चर्चा यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, शरीर की स्थिरता हो, मन की चंचलता की स्थिरता हो, मन की चंचलता बनी रहेगी तो हमारे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। आचार्य कह रहे हैं खाने के लिए मत जियो, काय के लिए जीना है, दो चीजें हैं, खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो। खाने के लिए जिए वो संसारी, और जीने के लिए वो जिए वो सन्यासी। खाने के लिए जीता है वो संसारी व्यक्ति है, और जीने के लिए खा रहा है तो वो सन्यासी है। ना अभी तुम खाने के लिए जी रहे हो ना जीने के लिए खा रहे हो, तुम तो अभी नाम के लिए जी रहे हो। ख्याल करके रखना कि तुम्हारा नाम हो जाए उसके लिए जी रहे हो, और आप जब तक ये नाम के चक्कर में हो तब तक बाहर की दुनिया तुम्हारा स्वागत करती रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीव का उपकार करना है, जीव को उपकार करना है तो खाने पीने से नहीं होगा, जीव का उपकार करना है जो तुम्हारे साथ हमेशा है उसका उपकार करना है तो तप त्याग संयम आदि से उसका उपकार करो। जिसने तुम्हें इतनी अच्छी गति दी है, ख्याल करना, जिसने तुम्हें ये जीवन दिया मनुष्य पर्याय का, वो शरीर का उपकार, वो आत्मा का उपकार करो। उस आत्मा का उपकार है तप त्याग संयम। खाना पीना आत्मा का उपकार नहीं है, खाना पीना शरीर का उपकार है। और तप त्याग, अब विचार करना दिन भर कैसे खाते हो, दिन भर मुंह कैसे चलता रहता है, हमको तो एक बार में ही पसीना आ जाता है, उसके लिए इधर से हवा उधर से हवा, इधर से पसीना पहुंचा जा रहा है उधर से पहुंचा जा रहा है, एक बार में ही पसीना आ रहा है और तो दिन भर चबर 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 खाए जा रहे हो। कम से कम आप विचार करना, और आत्मा को थोड़ा तो रेस्ट दो,
कि भैया हम इतने वजह से इसमें हम कचरा नहीं डालेंगे। वो आत्मा भी सोचती, आत्मा सोचे या ना सोचे लेकिन लीवर जरूर खराब होंगे तुम्हारी। ख्याल करना, लीवर क्यों हो जाते हैं? कि वो लीवर में पचाने की शक्ति नहीं है और गरिष्ठ भोजन की पचाने की शक्ति नहीं है। गरिष्ठ भोजन करोगे लीवर को पचा नहीं पाएगा। और एक बात ख्याल रखना, भोजन जब भी करो तो चबा चबा के खाना। बंगाल में और यहाँ पर भी पानी को पिया नहीं जाता है, पानी को जल खाओ। क्या बोलते हैं? जल खाओ। ख्याल करके रखना, जल खाओ, ये मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। पानी भी, पानी को चबा चबा कर पियो और भोजन को भी चबा चबा के करो। क्योंकि दांत का काम दांत करेंगे ना तो काम आंतों को नहीं करना पड़ेगा, और दांत का काम आंत करेंगे ना तो फिर दांत का काम आंत करेंगे तो दांत के पहले तुम चले जाओगे। ख्याल करो, जीवन में इतना ही विचार करके रखना। हम अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए हम काजू बादाम खाते हैं, और आत्मा को पुष्ट करना है तो सम संयम तप त्याग, इसका हमें अपने जीवन में जरूर स्वागत करना चाहिए। ख्याल करो, आचार्य कह रहे हैं जो शरीर है वो मरण धर्म है, आत्मा है वो शाश्वत है। शरीर तो तुम्हारा आया है और जाएगा ही जाएगा, तुम रोक नहीं सकते हो। मंत्र तंत्र बहु होई, बोलो ना, मरते ना बचावे कोई। लेकिन अमरता का वरदान आचार्यों ने कहा है, भक्ता अमर प्रतिमोल मणि प्रभाणा, भक्ता अमर, भक्त अमर होता है। तो आप विचार करना, अगर अमर होना है तो रत्नात्रय पवित्र, तो इस शरीर में रत्नात्रय को धारण करो। जैसे तुम्हारे शरीर में रत्नात्रय धारण होगा, तुम्हारा गमन आत्मा की ओर होगा, और जब तुम्हारा गमन आत्मा की ओर होगा तो तुम्हारा हर जगह स्वागत सम्मान होगा। अगर हम उस आत्मा की ओर गमन करना चाहते हैं तो रत्नात्रय से करें। एक बात का ख्याल रखें, आत्मबल बहुत मजबूत होता है। उस आत्मबल के भरोसे से एक छोटा सा छोटा जीव भी आगे बढ़ता चला जाता है। कल देखा था ना, शाम को समीक्षा बहन ने दिखाया, एक बड़ा भालू और एक छोटा भालू। बड़ा भालू तो चढ़ गया पहाड़ पर, बर्फों के पहाड़ पर, और छोटा भालू चढ़ रहा है, गिर रहा है, लेकिन उसका आत्मबल मौजूद था तो वो चढ़ता चला गया। इतना ही विचार करो। हम विभाव की परिणति में पड़ते हैं, हम संसार की परिणति में पड़ते हैं तो हमारा विभाव शुरू होता है। हम शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमारा मोह बढ़ता है, और आत्मा के प्रति बढ़ते हैं तो हमारा मोह कम होता है। जो लोग शरीर के प्रति ख्याल रखते हैं उनका मोह बढ़ता जाता है, और जो आत्मा की ओर दृष्टि होती है उनका बाह्य से मोह कम होता जाता है। बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा की चर्चा आचार्य ने इस ग्रंथ में, इस श्लोक में कह दिया। बहिरात्मा देह जीव को एक गिने सो बहिरात्मा तत्व उदा है। आप विचार करना, जो शरीर को और आत्मा को एक ही मानता है, अन्य बहुत सारे मत हैं ऐसे। जो देह में जी रहा है वो बहिरात्मा है, जो अंदर संयम में जी रहा है वो अंतरात्मा है, और जो इन दोनों से रहित हो गया है वो परमात्मा है। अब कौन सी आत्मा तुम्हारी है ये तुम विचार करना। बाहर घूम रही है जिसकी आत्मा वो बहिरात्मा, अंदर घूम रही है जिसकी आत्मा वो अंतरात्मा, और इन दोनों से रहित होगी जिसकी आत्मा, बोलो ना, हाँ वह यही सीखना है। इन दोनों से कैसे रहित हुआ जाए? हमें अंतर से भी रहित होना है और बाहर से भी रहित होना है, द्रव कर्म से भी रहित होना है और नौ कर्म से भी रहित होना है, और भाव कर्म से भी रहित होना है। भाव कर्म से भी मुक्त होने के लिए हम शरीर से राग कम करें, आत्मा के प्रति राग का व्यवहार बनाएं। और इतना ही विचार करना, अगर तुम्हारा शरीर से राग कम होने लगा, शरीर को उतना ही काम दो, शरीर को उतना ही दो जितने संयम में साथ दे सके। बाकी के शरीर में शरीर से ज़्यादा राग मत करें,
तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः जय गुरुदेव। धनुष ने बाबात्माओं इष्ट उद्देश्य ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे सभी लोग। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे किसने कर्मणा तस्में सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य परमात्मा को नमस्कार करते हुए आज 20 नंबर के श्लोक में एक कदम आगे बढ़ते हुए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने सब कुछ तुम्हें बता दिया, धन की उपयोगिता और धन की निरर्थकता बता दी, स्वर्ग के सुख और स्वर्ग के दुख भी बता दिए, अब वो यहाँ मनुष्य पर्याय में जो आप अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हो, तो वो जीवन शरीर के लिए जीना है या आत्मा के लिए जीना है वो भी बता दिया। और आचार्य इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतना कह दिया कि आप स्वयं विवेकी बने। हमने तो तुमको आंखें दे दी हैं, उन आंखों से क्या देखना है ये तुम्हें जानना है। 20 नंबर के श्लोक में आचार्य आपको ही सौंप रहे हैं कि अब आपको करना क्या है। बोलेंगे 20 नंबर का श्लोक, इति चिंतामणिर्दिव्या इता पिंडिका खंडिका ध्यानेन चेद विलव्ये क्वादृताम विवेकना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, इति चिंतामणिर्दिव्या इता पिंडिका खंडिकम ध्यानेन चेद्वे लभ्ये क्वादृताम विवेकना। बहुत अच्छा श्लोक है और आचार्य आपको ही सब सौंप रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई एक बात का ख्याल करो, एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा है और एक तरफ पिंड खंडकम मतलब खली का टुकड़ा बोला है। आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ तो चिंतामणि रत्न रखा है और एक तरफ खली के टुकड़े रखे हैं। ध्यानेन चेद्वे लभ्ये, ध्यान से दोनों ही प्राप्त होते हैं। क्वाजताम विवेकना, आपका अब विवेक क्या कहना चाहता है विचार करो। पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास चिंतामणि रत्न भी है और आपके पास कांच के टुकड़े भी हैं। चिंतामणि रत्न क्या है शरीर के अंदर, हाँ सबको मालूम है, और खली के टुकड़े क्या हैं, शरीर की पांचों इंद्रियां। चिंतामणि के रूप में आचार्यों ने कहा तुम्हारे पास रत्न भी है और खली के टुकड़ों के रूप में तुम्हारे पास शरीर भी है, और आप ध्यान के माध्यम से दोनों चीजों में से क्या प्राप्त करना है दोनों कर सकते हो। शरीर को पाना है तो शरीर को भी पा सकते हो, और आत्मा को पाना है तो आत्मा को भी पा सकते हो। और आचार्यों ने कह दिया, ये विवेक सौंप रहे हैं आपको। आज आचार्य विवेक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि हमें अपनी विवेक के माध्यम से क्या करना है क्या नहीं करना है इसे सोचना है। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आचार्यों ने दे दिए। हम सबको समझाने के लिए आचार्य कितनी बात करते हैं, कितना बोलने का प्रयास करते हैं कि कैसे भी इस मानव को ये समझ में आ जाए हम जो कर रहे हैं वो हमारे कल्याण में कारण है या अकल्याण में कारण है। गृहस्थिता की क्लास आज से चालू होंगी, आप विचार करके रखना कैसे हम विवेक के साथ उस कार्य को कर सकते हैं और अविवेक के साथ भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा जीवन का सार, मनुष्य पर्याय का सार अगर देखा जाए तो विवेक और अविवेक में ही टिका हुआ है। होश पूर्वक क्रिया या बेहोशी पूर्वक क्रिया, सावधानी के साथ चर्चा या असावधानी के साथ, समझ के साथ जीवन जीना है ना समझी के साथ जीवन जीना है,
स्वयं को देखकर जीना है या दूसरों को देखकर जीना है, स्वयं के लिए जीना है या दूसरे के लिए जीना है, ये सारा विवेक तुम्हारे पास होना चाहिए। जब तुम्हारे पास ये आ जाएगा कि हम जीवन जी किसके लिए रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं या दूसरे के लिए जी रहे हैं, हमें विवेक पूर्वक क्रिया करना अविवेक पूर्वक क्रिया करना है तो समझ के रखना हमारा जीवन जीना सार्थक होगा। मनुष्यों में और जानवरों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मनुष्य भी भोजन की व्यवस्था करता है और जानवर भी भोजन की व्यवस्था कर लेता है, मनुष्य भी अपना घर बनाता है, जानवर भी अपने घोंसले और गुफाओं में कंदारों में अपने रहने लग जाते हैं, मनुष्य भी बच्चों को जन्म देकर परिवार बनाता है, जानवर भी बच्चों को देकर जन्म देकर परिवार बनाता है। ख्याल करके रखना मनुष्य और जानवर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल विवेक का अंतर है। मनुष्यों के पास विवेक है लेकिन जानवरों के पास विवेक नहीं है। बस इस विवेक को समझने का प्रयास करो। आचार्य ने उदाहरण दे दिए बहुत सुंदर सुंदर से। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कपूर की खेती कर रहे हो और बगल में प्याज की खेती भी चल रही है। कपूर की खेती होती है, कपूर कैसे बनता है? केले के पेड़ के उससे कपूर बनता है। आप विचार करके रखना कपूर और प्याज दोनों की खेती में कौन सी अच्छी खेती होती है, सबको मालूम है। लेकिन वो व्यक्ति समझदार होगा या मूर्ख जो कपूर की खेती के जो पेड़ लगे हुए हैं प्याज की फसल की सुरक्षा के लिए उन पेड़ों को काट कर उसे बाड़ी बना दे रहा है कि भाई हमारी प्याज की सुरक्षा हो जाए, वो आदमी ना समझ है। आदमी को किसी काम के लिए धागा चाहिए था, गले में बहुत सुंदर सा हार पहन रखा था, धागे में बहुत सुंदर सुतन से मोती और रत्न लगे थे। अब उसे धागा चाहिए और धागा नहीं मिला, उसने उन मोतियों को तोड़ दिया और धागा इस्तेमाल कर लिया। समझदार है या ना समझ है? विचार करके रखना, इतना ही सोचना, बरसात का समय था, पैर कीचड़ में फंस गए। अब उसे धोने के लिए सादा पानी का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन घर में जो अमृत गंगा जल रखा था उसने वो पैरों पे डालकर पानी से पैर साफ कर लिए। समझदार है या ना समझ है? आप विचार करके रखना, घर पर आकर कौवा बैठ गया, उसे उड़ाना था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्णव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस्ट वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली कॉलम बॉक्स शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर।